नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आज जेडीयू का खुला अधिवेशन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अधिवेशन में शामिल होंगे। अधिवेशन में मिशन 2024 पर मंथन होगा। वहीं जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने पर भी चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आज जेडीयू का खुला अधिवेशन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अधिवेशन में शामिल होंगे। अधिवेशन में मिशन 2024 पर मंथन होगा। वहीं जेडीयू को राष्ट्र पार्टी बनाने पर भी चर्चा होगी। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आज जेडीयू का खुला अधिवेशन होगा। भाई आपको बता दें कि अधिवेशन में मिशन 2024 पर मंथन होगा। इस अधिवेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता पटना से प्रणव जुड़ चुके हैं। प्रणव, पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो है आज जेडीयू का खुला अधिवेशन होगा, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए पहले से आयोजित था कि आज श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जेडीयू का खुला अधिवेशन होगा और खुद बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो इस अधिवेशन में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दोबारा बने हैं ललन सिंह, वो मौजूद रहेंगे और राष्ट्रीय परिषद के भी कई सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जदयू के जितने भी पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान सांसद हैं, वर्तमान विधायक हैं, सभी इस अधिवेशन में मौजूद रहेंगे। 12:15 में कार्यक्रम शुरू होगा, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी सहित जब सभी वहां पहुंच जाएंगे, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। देखिये, सबसे मुख्य मुद्दा इस कार्यक्रम में यही रहने वाला है, मिशन 2024। जैसा कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कहा था कि 24 की तैयारी शुरू की जाएगी और अधिक जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे। यानी कि कल थोड़ी बातचीत जरूर हुई है राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, लेकिन आगामी क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ रूपरेखा होगी, किस तरीके से पार्टी के लोग काम करेंगे, किस तरीके से पार्टी अपना स्टैंड लेगी, इन सभी चीजों को लेकर के आज खुला अधिवेशन में चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है कि आज नीतीश कुमार का संबोधन भी काफी बड़ा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भी। कई अहम जिम्मेदारियां भी दी जाएगी सभी को कि किस तरीके से उसका निर्वहन करना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ललन सिंह को ये दी है कि जदयू को जल्द से जल्द राष्ट्रीय पार्टी बनवाया जाए, क्योंकि देखिए 2-3 राज्यों में जदयू के कुछ सदस्य जरूर हैं। जब एक और यानी कि जब फरवरी में नागालैंड में चुनाव होगा, अगर उसमें जदयू कुछ सीट जीत पाती है तो फिर जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इसकी भी जिम्मेदारी दी गई है ललन सिंह को, और ललन सिंह ने स्पष्ट कहा है कि निर्वहन इसका अच्छे तरीके से किया जाएगा। तो आज का जो दिन है वो जदयू के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुला अधिवेशन में कई रणनीतियां, कई रूपरेखा तैयार की जाएगी कि पार्टी किस तरीके से आगे काम करेगी, किस तरीके से मिशन 24 की शुरुआत की जाएगी और किस तरीके से पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए। 24 में जो चुनाव होना है उसमें किस मजबूती के साथ लड़ा जाए, कैसे अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए, सदस्यता किस तरीके से बढ़ाई जाए, जो नेता हैं जमीनी स्तर पर काम करते हैं बूथ स्तर पर, उनको किस तरीके से एक्टिवेट किया जाए कि लोगों तक, हर लोगों तक जदयू के नेता कार्यकर्ता पहुंच सके, तभी लोग जुड़ पाएंगे। इन सभी चीजों पर आज चर्चा होगी और निश्चित तौर पर कुडनी में जो हार हुई है उस पर भी जरूर चर्चा होगी कि कहां चूक हुई, किस तरीके से हम पीछे रह गए। और विभिन्न कह सकते हैं कि बिहार के राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी, इसमें पार्टी की क्या कुछ स्टैंड होगा, क्या कुछ रणनीति होगी, किस तरीके से आगे काम होगा। धन्यवाद प्रणव तमाम जानकारियों के लिए।